हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज द फॉलोस। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, द रिएक्शन इज ओके। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए प्लस दिस गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, तो इस रिएक्शन का हम रेट कैसे लिखते हैं? 1 बाय स्टेकोमेट्रिक कोफिशियंट। स्टेकोमेट्रिक कोफिशियंट कितना है? ए इंटू, अब ये रिएक्टेंट है तो इसका आरओडी आ जाएगा, आरओडी ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम बी की टर्म्स में देखें तो बी का स्टेकोमेट्रिक कोफिशियंट क्या है? स्मॉल बी। ठीक है, अब ये भी एक रिएक्टेंट है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आरओडी ऑफ बी। सिमिलरली सी, सी का स्टेकोमेट्रिक कोफिशियंट स्मॉल सी रखा है हमने, लेकिन ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, एंड सेम इज विद डी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू आर ओ ए ऑफ डी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान से रखनी है कि जो हम आर ओ डी लिखते हैं वो होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन जब हम आर ओ ए लिखेंगे तो वो होगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे हम सी की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में आता है यहां पे, ये क्या होते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो रिएक्शन के साथ में लगते हैं। ठीक है, अब अपने पास सी के हिसाब से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया है? टू। मतलब जहां पर भी मैं रिएक्शन में सी लिखूंगा, सी के साथ में मुझे क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। सिमिलरली डी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? थ्री। तो जहां पे भी मैं डी लिखूंगा वहां थ्री लगाना होगा, और जहां ए लिखूंगा वहां फोर लगाना होगा, और जहां मैं बी लिखूंगा वहां पे वन लगाना होगा। यहां तक क्लियर? ठीक, अब ये माइनस और प्लस का क्या रोल है यहां पे? जहां जहां प्लस है वो अपना प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में हम प्लस लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के केस में हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो जहां जहां हमने प्लस लिखा हुआ है वहां वहां वो प्रोडक्ट है, और जहां जहां माइनस है वो रिएक्टेंट है। तो मतलब बी इसके आगे माइनस लगा है, और डी ये अपने रिएक्टेंट्स हैं। तो अपने रिएक्टेंट्स हैं बी एंड डी, और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? ए एंड सी, क्योंकि जिसके आगे माइनस लगा है वो रिएक्टेंट है, और जिसके आगे प्लस लगा है वो प्रोडक्ट है अपना। एंड इसके बाद इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का था टू, सॉरी सी का टू था, एंड ए का फोर, बी का वन है, एंड डी का थ्री है। तो बी प्लस थ्री डी एंड गिव्स फोर ए प्लस टू सी, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? अपना आंसर बन जाएगा बी। क्लियर? सिंपल सा पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट से होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।